अच्छा नमक हराम फिल्म में रजा सर का शायर का किरदार आज तक लोगों को याद है। सर हमने सुना ऋषिकेश मुखर्जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने आपको मना किया था कि नहाना नहीं आपने। जी हाँ बिल्कुल बात क्यों, सही क्यों है। क्यों बोला था ऐसे? उन्होंने कहा तुम्हारा डेथ सीन है, तुम नहाएगा, तुम बीमार है, बीमार आदमी नहाता नहीं है, डेथ बेड पे आदमी नहाता नहीं है। तो 3 दिन वो गाना पिक्चराइज हुआ और मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं नहा कर आऊं या मैं सर धोकर आऊं। अच्छा शादी से पहले आप रजा सर के अगर फिल्मों के नाम देख लो ना, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोरी, चोर हो तो ऐसा कानून मेरी मुट्ठी में। शादी जैसे हुई फिल्मों के नाम देखो कैसे हो गए, प्यार के नाम कुर्बान, प्यार का कर्ज होगी प्यार की जीत। शादी के बाद मैडम स्क्रिप्टें देखना शुरू कर दिया था कि आप वैसे सुधर गए थे आप? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल हस्बैंड नहीं पैदा हुआ जिसे अगर बीवी सुधारना चाहे और वो ना सुधरे कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग बहुत मर्द बनते हैं लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में 99.9% हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं और 0.1% जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं वो झूठ बोलते हैं। मतलब मैं शादी से पहले बिगड़ा हुआ था, मार मार के मेरी बीवी ने मुझे सुधार दिया। अरे क्या बात है, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप भाई? बड़ी खुश रजा जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए। आप सभी के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है लेकिन ब्रो आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। क्यों? किस बात के लिए? एक भी हीरोइन नहीं आई है यार। नहीं, इनका सारा का सारा फ्लर्ट आज वेस्ट हो गया। अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कर लो फ्लर्ट फिर। अभी मनोज जी, रदा जी, सया जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? फिल्मों में इतने खतरनाक किरदार आपको नहीं करने चाहिए थे। क्यों? मुझे पक्का पता है हीरोइन इनके डर से याद नहीं आई है। वरना लास्ट टाइम जी आप तो यहाँ पर से आई थी हीरोइन इनके साथ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, हीरोइन के नहीं आने का दुख मुझे भी है। अच्छा, ऐसा नहीं मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन क्या मेरा दुख सिर्फ 10 मिनट का है? आई फील फॉर यू ब्रो। लंबा टाइम निकालना पड़ता है। एक मिनट, ये क्या तुमने लगा रखा है हीरोइन नहीं है, हीरोइन नहीं है? सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी है, अर्चना पूरन सिंह। बट सर मैं बताऊं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड है कोई? देखो चलते शो में चने खा रही। मेरा तारुफ करवाइए, मेहमान आए हैं। ये भी पैदा हुए हैं जी। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप खुद कराओ अपना तारुफ। ठीक है तो सर आप लोगों को मैं बता दूं, मैं हूँ हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार श्री टॉम क्रूज। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले के वकील है जी, ये दामोदर जेठमलानी, इधर ही रहते हैं पीछे। एक मिनट में बन गए ना ये मेरे असिस्टेंट। अभी तो कह रहे थे नहीं बनूंगा, बन गए। अब कल ना ऑफिस जरा टाइम पे आ जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, नजर मार के देख लो। कौन दो महीने बिना नहाए सेम कपड़े पहन के घूमता है? वो आप हैं क्या? मतलब नहीं, मैं सच में आपको बताऊं, 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाथरूम की खिड़की से कोई झांक रहा है। इसी चक्कर में तो मैं नहा नहीं रहा हूं। मतलब आपकी वजह से मैं नहा नहीं रहा हूं और आपको लग रहा है कि मैं नहा नहीं रहा हूं। राधा जी आप बताइए, यहां पर आके आ रहा है आपको मजा जी, रजा जी? जहां रजा है वहीं मजा है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। आज का जो मौसम है, जो वेदर चल रहा है, इसमें असली मजा जो है आम चूस के खाने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है आप रामपुर से हैं यार, रामपुरी आम ले आते आप मेरे लिए। अच्छा लगता है तरबूज आम चूसता हुआ। रामपुर का तो चक्कू भी फेमस है, वो ले आते फिर आपके लिए?
चक्कू? हाँ ये चक्कू मैं चूस तो लूं लेकिन थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए, नहीं नहीं चक्कू में मजा नहीं, आप आम ही लेकर आइए। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब आम खाता हूँ देखना चाहिए मुझे। हाँ? मैं जब आम चूस के खाता हूँ यहाँ सारा आम आम लग जाता है। लवली। मेरे हाथों पे आम आम कर रही हूँ टपक के, यहाँ तक यहाँ पे टपक रहा होता है। कोई मुझे देख लेता है ना तो मुझसे कहता है कि ओहो ये है कैटरीना कैफ। उस दिन तो विक्की कौशल ने मुझे आम खाते हुए देख लिया। उसको भी आप कैटरीना कैफ लगे? नहीं उनको मैं मोटा ही लगा। वैसे जिमी जी मुझे जॉन्डिस नहीं है, है? नहीं आपके वो पीले चश्मे में मैं पीला लग रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ मुझे नहीं है। वैसे जिमी जी आप शेरगिल है ना? हाँ। जी। मैं आपको बताऊं मैं शेरदिल हूँ। कैसे? उस दिन मैं सर जंगल में गया, अचानक से शेर आ गया। फिर क्या, मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने लिख लिया। दिमाग में शेर आया, मैंने लिख लिया, वरना आदमी बाद में भूल जाता है। ये चुटकुला बनाने के लिए आप जंगल गए, इतनी मेहनत की आपने। थैंक यू ब्रो। तो शेर सुना भी दीजिए। मैं शेर याद है मुझे, मैं अर्ज कर दूं? नहीं इरशाद। शुक्रिया, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। मोहब्बत जीवन में एक बार होती है, ट्राई करना ना दोबारा। मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, इसे ट्राई करना ना दोबारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ऐसा लगा शरारा नहीं पूरा चुबारा नाच रहा है। ये करते आप? सयाजी सयाजी जी सयाजी जी, मतलब आपके नाम में पहले से एक जी है, मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप साथ लेके चलते हैं, ये अच्छी चीज है। तो सयाजी आप कुरुक्षेत्र में थे, इत्तफाक की बात है कि जब आप कुरुक्षेत्र में थे उस समय मैं दिल्ली में था। जी जी जी, एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। वहां पे अपना वो लाल किला नहीं है, लाल किला वो मेरे पूर्वजों का है। अच्छा, मतलब जो चीज आपके जैसी दिखती वो आपकी हुई? सबूत है यार मेरे पास, मेरे पूर्वजों का है। ये देखिए ये लाल किला है, यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? ये तो बंदर है। बंदर? मेरे पूर्वज कौन है? हाँ। बंदर। तो जंगल में जाओ, उनके साथ रहो फिर आप। मैं गया था, मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जंगल में उनके पास गया। अच्छा। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पहले तो उन पेपरों को फाड़ा। हाँ। फिर कह दिया मैंने उनसे कहा कि यही बात थी तो पहले कैसे से पेपर क्यों फाड़े। वकील साहब आप उधर चले जाइए, फालतू बातें करने आए आप। नहीं यार मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं रजा मुराद जी आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन रणवीर सिंह जी ने आपके ऊपर एक केस फाइल किया है। किस है? बात का केस? उनका कहना है कि फिल्म पद्मावत में इन्होंने रणवीर सिंह को जो चांटा मारा वो जानबूझ के मारा, क्योंकि रणवीर सिंह ने इनको अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। ये उनका कहना है। आपको कोर्ट में आना होगा, शेरवानी पहन के पहुंच जाइएगा। शेरवानी क्यों पहने? क्योंकि रणवीर सिंह लहंगा पहन के आ रहे हैं ना। और संजय लीला पंसाली जी ने साफ साफ कहा है कि भाई केस कैसा भी हो फ्रेम अच्छा होना चाहिए। That is more important. ये झूठ बोलते, कोई केस वैसे लड़ते हैं ये वहाँ पे पार्किंग में काम करते हैं, ये गाड़ियां लगवाते हैं लोगों की। तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए? हमारे जो जज साहब हैं वहाँ पे वो कैंटीन चलाते हैं, मैं पार्किंग चलाता हूँ, तो क्या बुरी बात है उसमें? और मैं सच बता रहा हूँ जिमी जी, हमारे जो जज साहब हैं ओ क्या पकोड़े बनाते हैं। अच्छा। क्या पकोड़े बनाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है। मुंह में पानी आता है वकील साहब? नहीं नहीं वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, तो काटते हैं तो आंखों से पानी आता है। इंद्रनील जी आपने ना एक नाम वेस्ट किया है मुझे लग रहा है। क्यों? क्या क्यों? आपका नाम इंद्र सेन या नील गुप्ता भी हो सकता था, दोनों में से एक ले लेते, पूरा इंद्र नील सेन गुप्ता अपने पास ही रख लिया। चलिए मेरे निकलने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। चलिए ओके ओके थैंक यू। अच्छा ये फिल्म जो है आजम, इसमें सत्ता को लेकर झगड़ा हो रहा है कि किसका राज रहे, आपके घर में किसकी सत्ता चलती है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी हेलो कपिल जी। हेलो हेलो एवरीवन।
मेरा नाम ज्योति सैनी है, मैं दहीसर मुंबई से हूँ. मेरा ना बहुत दिन से एक रोमांटिक डांस का मन कर रहा है. रोमांटिक डांस जी? और सैया जी मना कर रहे तो सयाजी शिंदे मानेंगे क्या प्लीज? आइए आइए, बिल्कुल आइए आइए. यस, क्या बात. मुझे बहुत लगता है सर बहुत क्यूट है, जो मूवीज में दिखते हैं उसके बहुत विपरीत है वो. नहीं वो तो है, हम कौन सा कहते, जेल से आए, वो अच्छे इंसान है. पहली बार आपने गाने पे डांस किया ना? हमें तो टेंशन है, अभी डांस कभी किया नहीं. पर बहुत क्यूट लग रहे थे आप. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हेलो एवरीवन. हेलो कपिल. मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं मेरठ यूपी से हूँ. बहुत बहुत स्वागत है जी. सर मैं जिमी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. धरती मूवी फर्स्ट मैंने तब देखी थी, जब पंजाबी वाली मूवी. उसके बाद से मैंने सारी मूवी देखी है आपकी. आपकी एक मूवी है तनु एक्स मनु, उसमें एक डायलॉग है, यहाँ साला घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ और ये तब से घोड़ी. सर वो एक बार अगर आप वो डायलॉग अगर एक बार लाइव परफॉर्म कर दे तो होगा. यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये तब से घोड़ी पे ही घूम रहे हैं साले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.